दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज मैं आया हूँ एक नए चैप्टर के साथ जो कि है इंग्लिश सब्जेक्ट का। ये बीए प्रोग्राम और बीकॉम के स्टूडेंट ये हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश कम्युनिकेशन का, इंग्लिश एबीसी कैसा है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। फर्स्ट यूनिट है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन की थ्योरी कैसी है और उसका इंट्रोडक्शन किस प्रकार का है ये हम पढ़ेंगे इसमें। डिटेल अबाउट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू शेयर योर थाट्स एंड मैनी थिंग्स लाइक इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन एक वे है, रास्ता है शेयर करने का आपके थाट्स लाइक इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज एक्सेट्रा। द वर्ड कम्युनिकेशन इज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेटर विच मीन्स शेयर टू शेयर। कम्युनिकेशन वर्ड आया लैटिन भाषा की कम्युनिकेटर वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब है टू शेयर, कुछ शेयर करना। बाय कम्युनिकेशन वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन, आइडिया, इमोशन, नॉलेज अमंग द पीपल। कम्युनिकेशन के द्वारा हम शेयर कर सकते हैं अपनी आइडियाज, इंफॉर्मेशन, इमोशंस, नॉलेज अमंग द पीपल, जो व्यक्ति हमारे आसपास है, ठीक है, कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हैज़ अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। ह्यूमन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन कम्युनिकेटिंग टू समवन। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में ह्यूमन बहुत सारा टाइम कम्युनिकेशन पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। वी कैन फुलफिल आवर डिफरेंट नीड्स वेदर दे आर पर्सनल, इमोशनल, एजुकेशनल, सोशल एक्सेट्रा बाय डूइंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से हम अपनी नीड्स, आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, इमोशनल हो, एजुकेशनल हो, सोशल हो, ठीक। वी कैन नॉट थिंक आवर विदाउट कम्युनिकेशन। ये हम सोच भी नहीं सकते कि हम कम्युनिकेशन के बिना रह सकते हैं, ठीक है। इन अ प्रोफेशनल लाइफ आवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सक्सेस हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छे बोलचाल पे ही निर्भर करती है। इन दिस सेंचुरी एवरी वन इज डूइंग कम्युनिकेशन। इफ ही इज अनेबल टू कम्युनिकेट सो मे बी ही वुड बी अनेबल टू गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। इस सेंचुरी में प्रत्येक व्यक्ति कम्युनिकेशन करता है, अगर वह अनेबल है, असक्षम है करने में, तो शायद हो सकता है उसे सक्सेस ना मिले। आप चाहे तो ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अगला टॉपिक है डिफाइनिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस के बारे में। वी हैव अ लॉट्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। इन 90s अ थियोरिस्ट फ्रैंक डैन्स काउंटेड मोर देन 100 डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे पास बहुत सारी हैं। 1970 में एक थियोरिस्ट हुए फ्रैंक डैन्स, उन्होंने 100 से ज़्यादा कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस गिनी, ठीक है। बेसिकली कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल एंड इन्फॉर्मेशन शुड बी ईजी एंड अंडरस्टैंड टू ईच एंड एवरी वन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं इधर से एक तरफ से दूसरी तरफ, जिसमें एक दो पीपल के बीच में ट्रांसफर होती है। इट शुड बी ईजी एंड अंडरस्टैंड टू ईच एंड एवरी वन। ये इतनी ईजी होनी चाहिए और समझने लायक होनी चाहिए कि हमारे आस पास के लोगों को समझ आ सके, ठीक है। वी हैव सम डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन ब्लो। हमारे पास कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से देख लेते हैं। ये फर्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू लूथर, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉमनली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इट्स अ प्रोसेस टू इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर्स। लूथर के अनुसार ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसमिशन करते हैं कॉमनली मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन का, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कॉमनली हो और जिसकी मीनिंगफुल हो, जिसकी मीनिंग भी हो, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे बिहेवियर्स भी एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अगला है अकॉर्डिंग टू ए कुमार, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मैसेज अंडरस्टूड बाय स्टेइंग एट द नीड अंडरस्टैंडिंग बाय द नीड्स सिट्स एंड ईगो सेट्स रिसीवर। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैसेज को बनाते हैं और सामने वाले को अंडरस्टूड बाय द सेटिस्फाइंग नीड।
हम सामने वाले को बनाते हैं, समझाते हैं, उसे सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई बाय द नीड एंड ईगो सेट्स ऑफ रिसीवर, रिसीवर के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सैनबर्न, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। ये सबसे सिंपल है, आप चाहे तो ये लिख भी सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सैनबर्न, सैनबर्न के मुताबिक कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैसेज को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्राउन, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज और थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द थिंकिंग ऑफ पर्सन रिसीव। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज़ को और थॉट्स को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इधर एक तरफ से दूसरे, फ्रॉम वन पर्सन टू एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द थिंकिंग ऑफ पर्सन रिसीविंग। इसके पर्पस होता है कि इसको क्रिएट करना, मैसेज को बनाना और उसको सामने वाले को समझाना और उसकी थिंकिंग, ठीक है, उसकी थिंकिंग को समझना। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के फंक्शन कैसे काम करते हैं ये देख लेते हैं। इन एन इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट, इन एन इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक व्यक्ति में इसका क्या वो है रूल, इट्स प्रोवाइड नॉलेज, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। बाय द कम्युनिकेशन वी गेट नॉलेज, ठीक है। इट गिव्स वे टू कमर्शियल सक्सेस, ये हमें कमर्शियल सक्सेस प्राप्त करने के लिए वे देता है। कमर्शियल सक्सेस किस तरह हम गेट कर सकते हैं इसका एक वे देता है। बाय द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वी गेट अ प्रोफेशनल लाइफ, गुड कम्युनिकेशन के द्वारा हम प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप, अ बॉन्डिंग इन आवर फैमिली, इन योर फैमिली एंड सोसाइटी, ये हमारी मदद करता है गुड रिलेशनशिप और बॉन्डिंग बनाने में इन अ फैमिली एंड सोसाइटी। इट क्रिएट्स लेजेंड्स मैन, इट मीन्स बाय द गुड कम्युनिकेशन वी कैन बिकम अ ग्रेट पर्सन इन द सोसाइटी। इट क्रिएट्स लेजेंड्स, ये व्यक्तियों को लेजेंड्स बनाता है बाय द गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन के द्वारा हम वैसे ही एक अच्छे आदमी बन सकते हैं। इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, इट एजुकेट्स पीपल एंड मेक्स देम कैपेबल इन फ्रंट ऑफ एनीवन। इट मीन्स इट मेक्स अस कैपेबल टू स्टैंड फ्रंट ऑफ एनीवन एंड शो आवर ओपिनियन। इसका मतलब है कि वे हमें कैपेबल बनाता है किसी के सामने खड़े होने में और अपने आंसर को देने में, ठीक है, और अपने ओपिनियन को शो करने में। इट मेक्स अस एबल टू चूज दैट थिंग विच इज़ गुड फॉर अस, एनीवन एल्स कैन नॉट चूज दैट थिंग फॉर अस। इट मेक्स अस कैपेबल एबल टू टेक अ डिसीजन फॉर अ गुड फ्यूचर, ये हमें कैपेबल बनाता है कि हम अपने चॉइस, अपने डिसीजन खुद ले सकें, हमारे डिसीजन कोई और ना ले, ठीक है। इट मॉडिफाई आवर थिंकिंग स्किल्स ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड डेवलप आवर माइंड सेट, ये हमारे थिंकिंग स्किल्स, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। किसी भी एक पर्टिकुलर इशू ले लो, किसी भी चीज़ पर ले लो, ठीक है, और हमारे माइंड सेट का डेवलपमेंट करता है कि हम किस तरह सोचते हैं, इस पर डेवलपमेंट होते हैं। इट्स स्टॉप सम हैबिट्स प्रोडक्ट्स सर्विसेज दैट आर हार्मफुल टू देम टू द सोसाइटी इन जनरल, ये हमारी कुछ हैबिट्स आदतें प्रोडक्ट्स जो चीज़ें हम बनाते हैं या फिर हमारी सर्विसेज जो हम देते हैं, सर्विस देते हैं उनको रोकता है अगर वे हार्मफुल हैं। आर दे हार्मफुल टू देम आर टू द सोसाइटी इन जनरल, अगर वो सोसाइटी के लिए और हमारे लिए हार्मफुल है तो इसे रोकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इट हेल्प्स इन सोशल रिवॉल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारी मदद करता है सोशल रिवॉल्यूशन, सामाजिक क्रांति लाने के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बदलाव लाने के लिए। इट हेल्प्स अस टू चेंज आवर सोसाइटी इनटू अ गुड सोसाइटी, ये हमारी मदद करता है अपनी सोसाइटी को चेंज करने में, गुड सोसाइटी बनाने में, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन में इस कॉन्टेक्स्ट का किस तरह वो होता है देखते हैं। इट सर्व्स एज ए एसेंशियल टूल, ये एक एसेंशियल टूल, इम्पोर्टेंट टूल की तरह सर्व किया जाता है
इट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, ये हमें असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में। इट कीप्स द एम्प्लॉय लाइंथेंट, मतलब इन्फॉर्म्ड, लाइंथेंट का मतलब इन्फॉर्म्ड, ये इसका मतलब है कि एम्प्लॉय को हमेशा रखता है इन्फॉर्म्ड चीज़ों के बारे में। इट बिल्ड्स अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ठीक है, रिलेशनशिप बनाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में। इट इन्फॉर्म्ड द एम्प्लॉयज, इन्फॉर्म्ड बाय देयर ऑब्लिगेशंस, इट इन्फॉर्म्ड द एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करता है अबाउट देयर वर्क्स आर ड्यूटी, ठीक है। इट प्रमोट्स लीडरशिप इफेक्टिवली, ये लीडरशिप को भी प्रमोट करता है बहुत अच्छी तरह से, इसलिए इफेक्टिवली है। इट गिव्स फीडबैक टू लोअर कार्डियस, ये फीडबैक भी देता है लोअर कार्डियस, मतलब वर्कर को वर्कर या फिर छोटे वर्कर, ठीक है। तो अब टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन। यू शुड बी कैप्ट दिस थिंग इन योर माइंड फॉर बिकम अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर, आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में याद रखनी होंगी इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसका प्लेस, जगह है। वी मस्ट नो दैट वेयर वी आर टॉकिंग, लाइक इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वी कैन टॉक विद आवर फ्रेंड्स रिलेटिव्स विदाउट रीजन, बट कम्युनिकेशन लाइक इन ऑफिस मीटिंग आर एट ऑफिशियल प्लेस वी कैन नॉट टॉक विदाउट रीजन, इसका मतलब है कि हम कहाँ पे खड़े हैं ये ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि हम घर में होते हैं दोस्तों के साथ होते हैं तो हम बिना किसी रीज़न के बात कर सकते हैं, पर अगर हम किसी ऑफिशियल मीटिंग में है या फिर किसी ऑफिशियल प्लेस ऑफिस में है तो हम बिना किसी रीज़न के बात नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेजेंट योर व्यूज़ को प्रेजेंट करना, इफ़ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर थॉट्स इमोशंस फीलिंग एक्सेट्रा सो यू कैन बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, अगर आप एबल हैं सक्षम है अपने थॉट्स को इमोशंस को फीलिंग्स को किसी को दिखाने में बताने में तो आप गुड कम्युनिकेटर बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मीडियम, इट मीन्स द मीडियम इन विच यू आर कम्युनिकेटिंग शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मीडियम मस्ट बी फन, इसका मतलब है कि इट मीन्स, इसका मतलब है जिस मीडियम में आप बात कर रहे हैं वे ईजी और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि सामने वाले को समझ आ सके, और मीडियम एक ही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और सामने वाला कोई और लैंग्वेज समझता है तो इससे दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, ठीक है। If you are talking in different language and listener are unable to understand, so you cannot become a good communicator. ठीक है, अगर listener किसी और language को समझता है और आप किसी और language में बात कर रहे हैं तो आप नहीं बन पाएंगे। Environment, वातावरण किस तरह का, proper environment has an important role in a communication. Without proper environment, there is always a chance that the message will be misunderstood or not properly understood. इन्वायरमेंट, प्रॉपरली इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, अगर आप किसी नॉइजी इन्वायरमेंट में खड़े हैं तो आपका इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका मैसेज मिसअंडरस्टूड गलत समझा जा सकता है या फिर प्रॉपरली अंडरस्टूड सही से नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो एक इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। अगला है, इन ओरल कम्युनिकेशन मैनी थिंग्स आर इम्पोर्टेंट लाइक वॉइस लेवल टोन प्रोनंशिएशन जेस्टर्स एंड पोस्चर आई कॉन्टैक्ट एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। ओवरऑल स्पीच कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसमें वॉइस लेवल, वॉइस का क्या लेवल होना चाहिए, टोन, आपके टोन सही है कि नहीं, प्रोनंसिएशन, आप सही से प्रोनाउंस कर रहे हैं कि नहीं, जेस्टर्स, आपके जेस्टर्स किस तरह के हैं, पोस्चर, आप पोस्चर किस तरह, खड़े किस तरह हैं, बैठे किस तरह हैं, आई कॉन्टैक्ट, आप आँखों मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे, और आपके एक्सप्रेशन, ये सब बहुत ज़रूरी है, बिना इनके ओवरऑल कम्युनिकेशन अधूरा रहता है। अगला है फीडबैक, विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन इज नॉट कम्प्लीट, फीडबैक हैज़ अ बिग रोल इन कम्युनिकेशन, बाय द फीडबैक कम्युनिकेटर गेट दैट हाउ ही स्पोक, इफ यू आर गिविंग प्रेजेंटेशन एंड लिसनर आर नोडिंग देयर हेड सो इट मीन्स दे आर अग्री, ठीक है। कम्युनिकेशन फीडबैक, विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन इज नॉट कम्प्लीट, बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन कम्प्लीट नहीं होता। फीडबैक का एक बड़ा रोल है एप्लीकेशन में, बाय द कम्युनिकेशन, बाय द फीडबैक, फीडबैक के द्वारा स्पीकर को ये पता चलता है कि उसने किस प्रकार की प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है।
तो इससे एग्जांपल है कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कहीं और आपके ऑडियंस सर हिला, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वे आपसे अग्री हैं। इफ़ दे आर यॉन्गिंग सो इट मीन्स दे आर फीलिंग बोर्ड। इफ दे आर यॉन्गिंग मतलब उबासी ले रहे हैं तो वो बोर फील कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच एटलीस्ट टू पीपल आर इन्वॉल्व। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति तो होने चाहिए। फर्स्ट पर्सन हु हैज इंफॉर्मेशन आइडियाज मोटिवेशन मैसेज एंड ही वॉन्ट्स टू शेयर सो वी कॉल हिम एज अ सेंडर आर एनकोडर ऑफ द मैसेज। फर्स्ट पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन है, आइडिया है, मोटिवेशन मैसेज है और वो शेयर करना चाहता है, तो उसे हम बुलाते हैं सेंडर या फिर कॉन्टैक्ट एनकोडर मैसेज, एनकोडर ऑफ द मैसेज, मैसेज को एनकोड करने वाला, ठीक है। सेकेंड पर्सन हु रिसीव आर लिसन एंड द मैसेज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज वी कॉल हिम रिसीवर और द डिकोडर। सेकेंड पर्सन जो कि मैसेज को सुनता है, समझता है, ठीक है, उसकी मीनिंग को समझता है, उसके बाद उसको हम रिसीवर बुलाते हैं। बोथ पर्सन शुड बी नो अ पर्टिकुलर मीडियम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों व्यक्तियों को मीडियम या फिर चैनल सेम होना चाहिए कम्युनिकेशन करने का, चाहे लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सेंड द मैसेज इट वुड बी इन सिंबल साइन आर ओरल। पर्सन रिसीव मैसेज एंड ट्राई टू डिकोड द मैसेज एंड एंड ऑफ द कम्युनिकेशन रिसीवर विल गिव फीडबैक टू द स्पीकर, यस, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मैसेज सेंड करता है, मैसेज हो सकता है सिंबल्स में, साइन में, ओरल में, ठीक है। सेकंड पर्सन उसे रिसीव करता है मैसेज को, ट्राई टू डिकोड, उसको डिकोड करने की कोशिश करता है, उसको समझता है। देन एंड ऑफ द कम्युनिकेशन रिसीवर विल गिव फीडबैक टू सेंडर अदर स्पीकर। आखिर में इस रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को या फिर स्पीकर को, ठीक है। मिस कम्युनिकेशन आर हैम्पर्ड कम्युनिकेशन कैन बी हैपन इफ अप्रोप्रिएट चैनल आर मीडियम नॉट इन यूज्ड आर एनवायरनमेंट इज नॉइजी। मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, हैम्पर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है इफ अप्रोप्रिएट चैनल, अगर अप्रोप्रिएट चैनल या फिर मीडियम को यूज़ में नहीं लाया गया है या फिर एनवायरनमेंट नॉइजी है, ठीक है। कम्युनिकेशन कम्प्लीट एट दैट टाइम व्हेन डिकोडर सेंड अ फीडबैक टू एनकोडर। कम्युनिकेशन तब खत्म होता है जब डिकोडर एनकोडर को मैसेज सेंड कर देता है, फीडबैक सेंड कर देता है, ठीक है। रिसीवर सेंडर को फीडबैक दे देता है, उसके बाद कम्युनिकेशन खत्म। थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, ये थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं इसे, वीडियो को 3 से 4 बार आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव लिसनिंग इट्स अ प्रोसेस टू एनालाइज द फीलिंग ऑफ स्पीकर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। एक्टिव लिसनिंग बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्पीकर की फीलिंग्स को समझते हैं, ठीक है। अगला है ऑडियंस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिसन द स्पीकर एंड एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन गिव अ फीडबैक टू स्पीकर। ऑडियंस वह लोग होते हैं, लोगों का ग्रुप होता है जो कि स्पीकर को सुनता है और प्रेजेंटेशन के आखिर में अपना फीडबैक देता है, ठीक है। कोड, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स और सिंबल दैट हैव अ देयर ओन मीनिंग। ये कलेक्शन होता है रूल्स और सिंबल्स का जिनकी अपनी ही अलग मीनिंग होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन फ्लो, डायरेक्शन इन विच दिस ट्रैवल थ्रू द नेटवर्क इन ऑर्गेनाइजेशनल। कम्युनिकेशन फ्लो, कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में, मैसेज किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये इन सिंपल वे में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। क्रिटिकल लिसनिंग, इट मींस लिसन एंड जज। क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब है कि किसी को सुनना और आखिर में उसे जज करना। डिकोडिंग, इट्स अ प्रोसेस टू रिसीव मैसेज एंड डिकोड द मीनिंग ऑफ द मैसेज। डिकोडिंग इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है और उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। डाइवर्ट कम्युनिकेशन, व्हेन हायर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू कम्युनिकेशन विद लोअर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। जब किसी कंपनी का बड़ा व्यक्ति, बड़ी पोस्ट का व्यक्ति छोटी पोस्ट वाले व्यक्ति से बात करता है तो इसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक। अगला है एम्पैथी लिसनिंग। लिसन द स्पीकर एंड अंडरस्टैंड एंड फीलिंग द इमोशन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर को सुनना और समझना उसकी फीलिंग्स को, ठीक है, इमोशंस को, फीडबैक। इट्स अ प्रोसेस दैट आफ्टर द कम्युनिकेशन रिसीवर गिव देयर ओपिनियन टू द स्पीकर। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि फीडबैक जो कि रिसीवर देता है सेंडर को या फिर स्पीकर को कम्युनिकेशन खत्म होने के बाद उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है। गेट कीपर, दो स्पीकर को कलेक्ट ऑल द मटीरियल ऑफ कम्युनिकेशन लाइक एडिटर, रिपोर्टर, न्यूज डायरेक्टर, अदर पर्सन्स। गेट कीपर वह लोग होते हैं जो कि सारा का सारा कम्युनिकेशन का मटीरियल को इकट्ठा करते हैं, जिसमें एडिटर आता है न्यूज़ पेपर लिखने वाला, रिपोर्टर आते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, न्यूज़ डायरेक्टर जो न्यूज़ को डायरेक्ट करता है, और अदर पर्सन्स। ठीक है। हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेम टू पीपल हु हैव सेम पोल लेवल इन अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ टू मैनेजर्स आर टू को वर्कर्स। हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब दो सेम पोस्ट के व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसमें दो मैनेजर्स आते हैं या फिर दो को वर्कर्स। ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन टू आर मोर पर्संस यूजिंग कन्वर्सेशन एंड जेस्टर्स। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें बोल के द्वारा, बात द्वारा तथा जेस्टर्स, हाथों के इशारों के द्वारा। ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन वन सेल्फ इंक्लूडिंग सेल्फ टॉक या फिर प्लानिंग। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब हम व्यक्ति खुद से ही बात कर रहा हो, खुद से बात कर रहा हो, तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। लिसनिंग, इट्स अ प्रोसेस टू रिसीविंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड बाय द हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग। लिसनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रिसीव करते हैं आइडियाज, इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को बाय द हियरिंग, सुन के फिर उसे समझते हैं, उसे याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ये वाला टॉपिक ह्यूमन कम्युनिकेशन वर्सेस एनिमल कम्युनिकेशन बाय चार्ल्स हॉकेट टॉपिक रह गया है। ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करके शेयर करें। थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।